दोस्तों आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के साथ दो टेस्ट मैच खेला जाना है और दोनों टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने पहले ही स्क्वाड का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब पहले टेस्ट मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर दिया है। तो आखिरकार बीसीसीआई ने पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को शामिल किया और किसे डेब्यू करने का मौका है और किसे इस प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, आपको सब कुछ बताने जा रहा है। साथ ही इस मैच की पूरा शेड्यूल भी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन एक बेस्ट टेस्ट खिलाड़ी है, नीचे कमेंट अपना राय बताइएगा। दोस्तों इस वक्त देखा जाए तो टीम इंडिया अपने काफी अच्छा खासा लय में नजर आ रहे हैं। पिछले जितने भी सीरीज खेले हैं जिसमें सारे के सारे सीरीज अपने नाम किया था, लेकिन पिछले श्रीलंका के साथ खेले गए ओडीआई मैच में उन्होंने इस सीरीज को गवा दिया था, क्योंकि उसमें सीनियर खिलाड़ी कोई अच्छा खासा पर्सन नहीं कर पाया था, जहां केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर कोई भी अच्छा खासा पर्सन नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो सीरीज टीम इंडिया के हाथ से चला गया था। लेकिन अब सवाल उठता था कि क्या बांग्लादेश के दौरे के लिए क्या टीम इंडिया में इतने बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ियों को रखा जाएगा। तो स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और इन सारे खिलाड़ियों को भी शामिल कर लिया गया है। और इसी के साथ यह भी आपको बता दूं कि टीम इंडिया टेस्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करा, जिसके बदौलत उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। और जिस तरह से टीम इंडिया भी प्रदर्शन कर रहा है, वो आने वाले समय में हो सकता है वो फाइनल तक का रास्ता भी सफर कर जाएगा, क्योंकि अभी टेस्ट में सारे जितने भी मैचेस खेलते जा रहे हैं वो अच्छा खासा लय में नजर आ रहे हैं। और इसी के लेकर बीसीसीआई ने पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर दिया है और जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उन सारे सीनियर को भी इस प्लेइंग 11 जगह दे दिया है। तो आखिरकार प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है और कौन से खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया, आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का पहला टेस्ट मुकाबला 19 सितंबर को चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है और इसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाना है, जो कि भारत के समयानुसार 9:30 बजे से इंडिया में सही प्रसारण किया जाएगा, जो कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के हॉटस्टार पर और टीवी पर स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर देख सकते हैं। टीम इंडिया के बैटिंग क्रम और प्लेइंग की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ओपनर जोड़ी काफ़ी अच्छा खासा टीम के लिए शुरुआत दिलाते हैं, चाहे वो T20 में हो या फिर वनडे में हो या फिर टेस्ट में। इन दोनों बल्लेबाज अपना अच्छी खासा अनुभव के साथ मैच को स्टार्ट कराते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है, जो कि टीम इंडिया के लिए अच्छा खासा बल्लेबाजी करता है, चाहे ओडीआई में हो या फिर टेस्ट में हो। और पिछले श्रीलंका के साथ दौरे में जब उन्होंने खेला था तो उन्होंने वनडे में कोई अच्छा खासा पर्सन नहीं कर पाया था। अब इस मैच में किस तरह से पर्सन करता है अब आने वाले मैचेस में ही पता चलेगा। इसके बाद चौथे नंबर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया, जो कि अपनी टीम से काफ़ी अच्छा खासा लगाव रखता है और काफ़ी अच्छा खासा पर्सन भी करता है और मिडिल ओवर में अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्कोर भी करता है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर केएल राहुल को शामिल किया गया, जो कि श्रीलंका के साथ वनडे मैच में उन्होंने कोई अच्छा खासा पर्सन नहीं कर पाया था। अब आने वाले मैचेस में देखते हैं ये केएल राहुल किस तरह से मैच को खेल पाता है। इसके बाद छठे नंबर पर सरफराज खान को शामिल किया गया, जो कि ये भी एक अच्छा खासा युवा बल्लेबाज है, टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा खासा रन स्कोर करता है। पिछले भी उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं टेस्ट में, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पर्सन किया, जिसके बदौलत इस बार वो बांग्लादेश के साथ स्क्वाड में शामिल हो गया और इस प्लेइंग 11 भी शामिल हो गया है। इसके बाद सातवें और आठवें नंबर पर भारत के सबसे बेहतरीन जोड़ी रविंद्र जडेजा और अश्विन को शामिल किया गया है। ये अपने गेंद से और अपने बल्ले से काफ़ी धमाल मचाते हैं और अश्विन तो अपने बॉलिंग से वीरेंद्र टीम के परखच्चे उड़ा के रख देते हैं और अकेले अश्विन 2-3 बॉलर के समान है। इस प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज के रूप में 3 बॉलर को शामिल किया गया, जिसमें से अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। और ये अपने तेज से जिस तरह से बॉलिंग करते हैं विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा के रख देते हैं। अब आने वाले मैचेस में देखा जाएगा कि इन सारे बैट्समैन, बॉलर, यहाँ तक कि ऑलराउंडर किस तरह से पर्सन करता है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बांग्लादेश की टीम भी अभी काफी अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले ही मैच में पाकिस्तान जैसे दिग्गज टीम को हराकर सीरीज को अपने नाम किया था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये चुनौती काफी बड़ा होने जा रहा है। खैर दोस्तों आप सभी को क्या लगता है ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, बांग्लादेश या फिर इंडिया, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। और प्लेइंग 11 में आप किस खिलाड़ी को देखना चाहेंगे या फिर इसमें किसी प्रकार का बदलाव करना चाहेंगे, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। और क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। जिसमें से पहला टेस्ट मुकाबले के रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दिया, तो आखिरकार इस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा ने किस खिलाड़ी को शामिल किया और किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया और किसे डेब्यू करने का मौका मिला, के जरिए आपको बताने जा रहे हैं, सारा शेड्यूल भी बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इंडिया और बांग्लादेश की टीम में कौन एक बेस्ट टीम है, नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अभी देखा जाए तो WTC के चैंपियनशिप में अभी टीम इंडिया बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है और इसी चैंपियनशिप के इस पॉइंट टेबल के नंबर 1 के रैंक पर अभी विराट है, आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही बैटिंग क्रम क्या रहेगी और इस मैच कब खेला जाएगा और कहां पर लाइव प्रसारण दिया जाएगा, आपको कंप्लीट इस वीडियो में जाना है।
और इसी दो मैचों के टेस्ट सीरीज खेलने के लिए रोहित शर्मा ने प्लेइंग आउट की घोषणा कर दिया। देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम अभी काफी अच्छा खासा फॉर्म में नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीम को हरा जमान है। टीम इंडिया ने पिछले टेस्ट मैचों में काफी अच्छा खासा शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बदले उसे पहला रैंक मिला है और इसी रैंक को बरकरार रखने के लिए और फाइनल में एंट्री करने के लिए आप बांग्लादेश के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलते भरकते अंदाज में हुआ था। क्योंकि इस बार के T20 वर्ल्ड कप में लगभग 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसे 5-5 टीमों के 4 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया और इंडिया और पाकिस्तान जैसे दिग्गज टीम को एक ही ग्रुप में शामिल किया। दोस्तों अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बेहतरीन T20 खिलाड़ी मानते थे, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के साथ खेले गए दोस्तों क्रिकेट का महासंग्राम T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज काफी, लेकिन अभी टीम इंडिया को कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए असलिया टीम जिंदा है, क्योंकि असलिया टीम टीम इंडिया के साथ एक कड़ी मुकाबला देता है, जिसे कह सकते हैं कि पैसा वसूल मैच पाकिस्तान से होता है तो टीम इंडिया एक तरफा अंदाज में जीतता है, एक बड़े अंतर से जीतता है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया था, लेकिन अभी सूर्यकुमार यादव जिस तरह से अपने लय में नजर आ रहे हैं, ये पूरी तरह से बेस्ट कप्तान के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ काफी अच्छा खासा मैच खेलने के बाद सीरीज को अपने नाम कर लिया था। अब बाकी बांग्लादेश पहले सुमन गिल और जसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, ये दोनों ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए अच्छा खासा शुरुआत दिलाते हैं, जो कि टीम के लिए काफी बेस्ट आगे चल के होता है। और इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव खुद